हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिप टॉप स्टिचिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक छोटी सी बच्ची का अम्ब्रेला कट फ्रॉक। तो उस जो आज हम फ्रॉक बनाने वाले हैं इस वीडियो में, उस फ्रॉक के लिए हमें जो फैब्रिक चाहिए, वो हमने जो फैब्रिक लिया है, ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसकी हम चोली बनाने वाले हैं और इसके नीचे जो हम अम्ब्रेला कट जो घेर डालने वाले हैं, वो हम डालने वाले हैं इस जॉर्जेट का। तो ये हमारा मेन पीस हो जाएगा नीचे घेर का। और जो इस घेर के नीचे हम अस्तर यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा ये फ्रेंच का कपड़ा है। आप इसकी जगह नीचे कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं और सैंटून भी यूज़ कर सकते हैं, साटन भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास ये फ्रेंच है तो हमने फ्रेंच यूज़ लिया है। ये देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये कॉटन का कपड़ा है, हम उसको इस तरीके से तय कर लेते हैं और उसको इस तरीके से हम बिछा लेते हैं। ये हमारे चार भाग हो गए हैं इसके, इस तरीके से 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। जो हमारी ये जो चोली की लंबाई है, वो हमारी है 12 इंच। तो हम यहाँ से लेंगे, हम ये ऊपर से स्क्रैप निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा प्रिंट है इस कपड़े का, जो हमारा ये प्रिंट है, हम यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम यहाँ से इसकी मेज़रमेंट लगा लेंगे। जो हमारी चोली है वो 12 इंच की है, तो हम यहाँ से ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ये था, ये हमने 12.5 इंच का नाप का ले लिया है और बाकी जो स्क्रैप था वो हमने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे शोल्डर्स हैं उसका हम मेज़रमेंट लगाएंगे। हमारे शोल्डर 10 इंच के थे, तो आधा इंच का दबाव का रखते हुए हम 5.5 इंच के शोल्डर का निशान इस तरीके से लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारे मुड्ढे हैं, वो मुड्ढे हम लगा लेंगे। ये हमने मुड्ढे लगाए यहाँ पे 4.5 इंच के, और ये जो हमारा 12.5 पे है, ये हमारा यहाँ चोली का निशान होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। छोटे बच्चों में कमर और चेस्ट ये बराबर ही होती हैं, तो हम हमारा जो ये चेस्ट है तो वो हमारा है 21 इंच का। तो हम 21 इंच में प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा। तो 23 का हम आधा निशान, 1/4 निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 5.25 इंच, जो कि हमारा 23 का 1/4 निशान है। सेम निशान यहाँ पर लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से हम मिला देंगे। यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। आगे से हम रखेंगे ये 4 इंच का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हम कटिंग करेंगे यहाँ से, तो हम फिक्स कटिंग करेंगे जो हमने ये मार्किंग की है, और यहाँ से हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, जो हमने ये शोल्डर लिए हैं, वो हमने इसलिए इतने लिए हैं ताकि जो हमारा जो बैक का नेक है वो हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बैक वाला पोर्शन है उसका हम गला इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। हमने 2.5 इंच का निशान लगाया यहाँ पर, और यहाँ से हमने ये 3 इंच का निशान लगाया और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ये फ्रेंच का कपड़ा था उसको हमने इस तरीके से बिछा लिया, जिस प्रकार से हम चूड़ीदार काटते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी कमर थी वो हमारी 23 इंच की कमर थी, तो 23 इंच के हिसाब से हम पहले यहाँ मेज़रमेंट करेंगे कि हमारी 23 इंच की कमर कहाँ पर आ रही है। ये हमारी यहाँ पर आ रही है, और जो 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था वो हम यहाँ पर इस तरीके से हम छोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी 23 इंच की कमर यहाँ पर आ रही है, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरीके से।
और जो हमारी ऊपर की चोली थी वो 12 इंच की थी, तो हम यहाँ पर 11.5 इंच आधा इंच का दबाव लेते हुए यहाँ पर जो टोटल हमारी लंबाई थी, जो हमारी इसकी लंबाई है वो हमने रखी थी 23 इंच की, तो हम 23 इंच की जो हमारी लंबाई है वो हम यहाँ पर मेज़रमेंट कर लेंगे इस तरीके से। 23 है तो हम 24 लेंगे, आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। ये देखिए हमने इसके निशान लगा लिए हैं, अब हम इसी निशान पर, इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारा ये मैन पीस है उसको हमने इसी तरीके से बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने जो फ्रेंच अपना काटा था उसको हमें इसी के ऊपर इस तरीके से बिछा लेना है। इस तरीके से। और जो हमारा मैन पीस है उसका जो घेर है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। यहाँ से हमें फिक्स काटना है। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसे हमें थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है। और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई है, अब चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग पर। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पीस है इसकी हम कंधी कर लेते हैं, उसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से हम रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी कंधी कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसकी कंधी कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये गला है उस गले को हम तैयार कर लेंगे। गले को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने हमें इसमें उरे पट्टी लगानी है, उरे पट्टी हमने ऑलरेडी काट रखी है, तो हमें इसको इस प्रकार से तैयार करनी है। इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। ये देखिए जो हमने उरे पट्टी इस तरीके से रखी थी, तो हम उसको इतना सा छोड़ते हुए, ये आधा इंच का छोड़ते हुए हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। नीचे वाले पोर्शन को हमें खींचना नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन जो हमारा ये उरेब है, उरे वाली पट्टी है, इसको हमें थोड़ी थोड़ी खींचनी है। इसको हमें ज़्यादा भी नहीं खींचनी है, तो हमें कम भी नहीं खींचनी है, इस तरीके से। ये देखिए ये हमने इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ते हुए पट्टी को इस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग फिर से करनी है। जो हम ये स्टिचिंग करने वाले हैं ये बिल्कुल नोक की सिलाई पे, हमें यहाँ पर बिल्कुल नोक की सिलाई पर हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए ये हमने पट्टी लगा ली है। अब जो हमारा ये स्क्रैप बचा हुआ है इस पट्टी में, इस स्क्रैप को हम इस प्रकार से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो आप कटिंग कर रहे हैं इस कटिंग को करते वक्त बहुत सावधानी बरतें, ताकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कि जो हमारी कैंची है उससे हमारा जो मैन पीस है वो भी कट सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसकी कटिंग हमें करनी होती है। ये देखिए जो हमारा स्क्रैप था वो हमने एक्स्ट्रा, जो हमारा ये कपड़ा था वो हमने कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है बिल्कुल नोक की सिलाई पे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। दोस्तों जिस प्रकार से हम ये गले को तैयार कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने उरे पट्टी इसमें लगाई है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी ये आर्मोल्स हैं उसी तरीके से, उसी मेथड से हम इस आर्मोल को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये फ्रंट पीस था और जो हमारा ये बैक पार्ट था चोली वाला, वो हमने तैयार कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पीस है, ये जो हमारा नीचे का घेर है, अब हम उसको तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले ये साटन है,
साटन को हम नीचे से पहले फोल्डिंग कर लेंगे। ये हमारा जो घेर है साटन का उसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मैन पीस है उसकी भी हम बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसकी बारीक मुड़ाई कर ली है बिल्कुल फिनिशिंग से। अब क्या करना है हमें, जो हमारा ये साटन है, जो हमारा ये फ्रेंच का कपड़ा है, इसके ऊपर हमें इस तरीके से इसकी जो ये कमर है यहाँ पर हमें इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए ये हमने इसको अटैच कर लिया है मैन पीस को और अस्तर को। और हमें करना क्या है, इसको इस तरीके से पकड़ना है इस तरीके से, और इनका सेंटर कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हम कुटका लगा लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा ये मैन पीस है, जो हमारी ये चोली है, इसका भी हम सेंटर लगा लेंगे। इस तरीके से। और जो हमारा ये पीस है इस पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारा ये एक पीस है इसको हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। पहले हम सेंटर से सेंटर मिला लेंगे इस तरीके से, फिर हम इसको इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए ये हमने दोनों पीस हैं वो अटैच कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमने यहाँ पर फिटिंग का जो हमने मेज़रमेंट लगाया था उस पर हमें स्टिचिंग कर देनी है। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा ये वाला पीस है सबसे पहले हमें इसको स्टिच कर लेना है। जो हमारी ये मार्किंग है यहाँ पर, यहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है। देखिए किस प्रकार से हमें स्टिच करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसको इस प्रकार से पकड़ लीजिए और यहाँ से आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए पक्का करते हैं। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 2 इंच अंदर लगाया था निशान, तो हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला पीस है इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। जो हमारी ये सिलाई आएगी तो वो सिलाई हमारी यहाँ पर आनी चाहिए। देखिए मैं बता देती हूँ किस तरीके से है। ये देखिए जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था हम यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमने यहाँ से इसको पक्का कर लिया है, स्टिचिंग कर लिया। अब क्या करना है, जो हमारा ये पीस है इसके आर्मोल्स की हमें स्टिचिंग कर लेनी है। आर्मोल्स की स्टिचिंग जो हमने निशान लगाया था वैसे ही हमें करनी है बिल्कुल। ये देखिए अब करना क्या है, हमें जो हमारा ये वाला पीस था इसको हमें तो अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है, इस तरीके से ऐसा तिरछा। और जो हमारा ये वाला पीस है, अस्तर है जो हमारा, उसे हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से रखना है, और हमें इस तरीके से हमें इसको इस तरीके से यूं मतलब गोल शेप देते हुए हमें इसको इसकी स्टिचिंग कर देनी है इस तरीके से। देखिए ये हमने स्टिचिंग कर ली है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ की भी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड जो हमने अम्ब्रेला कट जो फ्रॉक है ये हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है। देखिए बेहद सुंदर तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में
दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, साथ ही साथ में जो हमने जानकारी आपको दी है वो काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ नए नए अपडेशन पाने के लिए आप बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और सीखते भी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।